अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हो गई और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह पे है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। तो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स ये टर्म्स हैं, ये यूज़ होती हैं मोस्ट ऑफ इट। जो है ऑटोसोम्स क्या होते हैं? दोज क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट इन्वॉल्वड इन सेक्स डिटर्मिनेशन। वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल नहीं होते कि इधर ये फीमेल है या मेल है या इसका कौन सा मतलब जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इसके से नहीं हो सकती। और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि इधर ये फीमेल है या मेल है। अब हमारे पास जो सिंबल्स हैं, एक यूजली जो हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो इन ह्यूमन जो है मेल में हम एक्स और वाई यूज़ कर सकते हैं और फीमेल में दोनों एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो और बर्ड्स में जो है दोनों जी यूज़ करते हैं, मेल में और फीमेल में जी डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो बर्ड जो है वो ऑपोजिट होगा ह्यूमन के। अब ह्यूमन में दोनों एक्स हैं और ह्यूमन में फीमेल में दोनों एक्स हैं और मेल में एक्स और वाई हैं। कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स और एक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, के वो वाले ट्रेड्स हैं जिनके लिए जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, तो वो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स होंगे। सेक्स लिंक्ड जीन्स जीन्स कंट्रोलिंग दिस ट्रेड्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। जो ये खसूसियात हैं सेक्स की, तो इसको जो जीन्स कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो सेक्स लिंक जीन होंगे। लिंकेज ऑफ सच जीन इज रेफर टू एज सेक्स लिंकेज, तो इसको सेक्स लिंकेज भी कह सकते हैं हम। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन्स आर करेक्टर्स, जो सेक्स लिंक जीन होते हैं उनके इनहेरिटेंस जो करेक्टर्स होते हैं उनको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड एक ही बात है, इनहेरिटेड डिजीज अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स बिकॉज दे ओनली हैव वन एक्स क्रोमोसोम्स। कहते हैं जी के मेल में जो है ना एक्स लिंक्ड यानी सेक्स के रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं तो वो जल्दी काज होती हैं, मेनली उन्हीं मेल्स में होती हैं क्योंकि इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल है उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आते हैं सेक्स लिंक ट्रेड्स के ऊपर। डिस्कवर्ड बाई थॉमस हॉन्ट, ये जो थॉमस हॉन्ट मॉर्गन था उसने 1907 में उसने ये दरियाफ्त किया था वाइल स्टडीइंग फ्रूट फ्लाइज। तो उसने एक जो है ना वाइट आइड फीमेल जो XR और एक रेड आइड मेल XRY, ये उसके ट्रेड्स हैं, उसके जीनोटाइप्स उसने दिए हैं, तो उसने क्रैश किया था और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया था वो था XRY और XRY, दोनों वाइट आइड थे, ये भी वाइट आइड ये भी वाइट आइड। तो इसको उसने एक एग्जांपल लिया। फिर आप आगे आते हैं हम कि सेक्स लिंक ट्रेड्स क्या हैं। सेक्स लिंक ट्रेड्स क्या है कि सेक्स लिंक जीन्स शो द डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप ओनली इन होमोजेनेटिक सेक्स फीमेल इन ह्यूमंस बिकॉज इट कैन कैरी टू एलील्स एट द सेक्स लिंक्ड लोकस। सो फीमेल कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। द टर्म हेमिजाइगस इज यूज्ड फॉर एक्स लिंक्ड जीन इन मेल्स एज दे कैरी वन ओनली वन एलील विद रिगार्ड टू, के जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेक्स एलील होता है, जो एक्स होता है एक्स लिंक जीन वो एक ही होता है, तो इसलिए उनको हेमिजाइगस कहते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं उनमें फीमेल में एक होता है तो उसको हेमिजाइगस कहते हैं। अब एग्जांपल आप कलर ब्लाइंड की ब्लाइंडनेस की है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है। अब एक्स एक्स और एक्स एक्स ये जो है ना कलर ब्लाइंडनेस के जो जीनोटाइप्स उसने दी हुई हैं कि ये जीनोटाइप्स होगी, अगर एक्स बी एक्स कैपिटल और बी छोटा होगा तो ये कलर ब्लाइंड होगा, अगर एक्स कैपिटल बी कैपिटल और एक्स कैपिटल बी स्मॉल होगा तो फिर नॉर्मल होगा।
अगेन तो ये अब क्रॉस है कि एक मेल है एक फीमेल है। मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, आपने देखा है कि एक्स बी और वाई है। इधर जो फीमेल है वो है एक्स बी कैपिटल और एक्स कैपिटल बी स्मॉल। तो इनके जब ये गैमेट्स बनाए हैं और क्रॉस किया है तो ये रिजल्ट आया है, दो जो हैं डिजीज्ड हैं और दो नॉर्मल हैं। दो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो कलर ब्लाइंडनेस होंगे, उनको कलर का मसला होगा, और जो हैं दो होंगे वो ठीक होंगे। मतलब 50-50% उनके रेशियो आ जाएगी, 1:1। अब आते हैं जी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ये एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना वो प्रोड्यूस नहीं होता, और ये मेनली जो है ना मेल्स को इफेक्ट करती है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड जेनेटिकली इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज है। तो अब आते हैं जी फीमेल है, ये जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स उसने दिए हैं। तो अगर एक्स एच फीमेल नॉर्मल है और एक्स एच कैपिटल और एक्स कैपिटल एच स्मॉल फीमेल जो है ये कैरियर है हीमोफीलिया की, जो हीमोफीलिया डिजीज है उसकी कैरियर है। अगर एक्स कैपिटल और एच कैपिटल और वाई कैपिटल है तो मेल नॉर्मल होगा, और अगर एक्स कैपिटल और एच स्मॉल है और वाई कैपिटल है तो मेल क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्स एलील है, सेक्स एलील एक ही है। तो फीमेल के सूरत में क्या होगी हीमोफीलिया, अगर दोनों एक्स एलील के साथ एच जो है ना स्मॉल हो तो हीमोफीलिया होगी। अब आगे आते हैं तो ये रिजल्ट है, क्रॉस कराया है, मदर जो है ना कैरियर नहीं है और फादर जो है हीमोफीलिया का पेशेंट है। ये जो मैंने रेड का एक्स रेड में कलर शो किया, तो ये आपको थोड़ा याद कराने के लिए कि ये हीमोफीलिया है। तो उसके बाद जो क्रॉसिंग किया हमने तो गैमीट्स बनेंगे, इधर से सिर्फ एक्स बनेगा फीमेल वाले साइड पे और इधर से एक्स और वाई बनेगा। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, सन में ये आ जाएगा जी के दो जो बच्चे होंगे वो विदाउट हीमोफीलिया होंगे और दो विद हीमोफीलिया या कैरियर होंगे। अगर मेल आते हैं दोनों तो अब यहाँ पे देखें कि दोनों सन जो हैं उसके वो विदाउट हीमोफीलिया हैं और जो दोनों डॉक्टर हैं वो कैरियर हैं, क्योंकि उसमें दो दो एक्स आ रहे हैं तो दोनों में एक एक एक्स जो है ना हीमोफीलिया वाला पेरेंट जो उसके फादर का है वो आ रहा है। इसी तरह अगर जो फीमेल है मदर है वो कैरियर हो, उसमें एक एक्स जो एलील है वो अगर हो हीमोफीलिया का जो डिजीज़ वाला, और जो वो फादर है वो विदाउट हीमोफीलिया हो, तो उसका अगर हम क्रॉस कराएंगे तो फिर क्या आएगा रिजल्ट, वो भी 50-50% आएगा, और उसमें जो है ना रेशियो चेंज हो जाएगी कि एक सन डिजीज होगा और एक जो फीमेल है उसकी बेटी जो है उसमें वो कैरियर होगी कि उसके अंदर हीमोफीलिया कैरियर वो है। बताते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाई ऑटोसोमल जीन्स एंड आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रिंसिपल्स बट दे आर एक्सप्रेस डिफरेंटली इन मेल्स एंड फीमेल, द ट्रेट हैज हायर प्रेफरेंस इन वन ऑफ द सेक्सेस। अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कौन से हैं कि जी, जैसे ये बियर्ड होगी और बियर्ड लेस्ट। तो अगर सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टरिस्टिक में देखें तो करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकती हैं इसकी, एक जानवर बियर के साथ है और एक विदाउट बियर्ड है। जैसे ये देखें यहाँ पे फीमेल जो है वो बेयर्ड के साथ है, यानी दाढ़ी उसके जो बाल हैं दाढ़ी के वो उगे हुए हैं, और जो मेल है वो विदाउट बेयर्ड है। तो अगर इसका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अगर क्रॉस में एक रेशो आ रही है कि
विदाउट बेयर्ड जो फीमेल आ रही है, और विद बेयर दाढ़ी के साथ एक मेल आ रहा है। फिर आप डायरेक्ट इनको क्रॉस कराएंगे हम जो F2 जनरेशन में, अब हम अगर जाएं तो फिर ये रेशो आ जाएगी हमारे पास 3/4 जो होंगे वो बेयर्डेड होंगे, और 1/4 जो पार्ट होगा वो विदाउट बेयर होगा, विदाउट दाढ़ी होगा। तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी 3:1 के, उसमें जो है 3/4 ऑफ द फीमेल और ऑफ द मेल आर बियर्ड के, तीन जो उसके हिस्से हैं अपना मेल्स के वो दाढ़ी के साथ होंगी, और एक इस जो रेशो है उसमें फीमेल जो है ना दाढ़ी वाली होंगी। अब आते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स पे। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स जो हैं वो जीन्स आर जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज बट आर एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन सेक्स, के वो ट्रेड्स हैं जो दोनों स्पीशीज में पाए जाते हैं, मतलब मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस्ड जो होते हैं ना अपने आप को शो करते हैं वो एक ही स्पीशी में करते हैं, या तो वो मेल में करेंगे या तो वो फीमेल में करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, के जो फीमेल होते हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हो गई। ये मैंने टेबल बना दी है जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स की, तो इससे पता चल जाता है कि कैसे होगा जो उसकी ट्रेट्स हैं सेक्स लिमिटेड की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।